लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बलिया में भी सभी राजनीतिक दलों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की तत्परता से रोक दिया गया और सभी को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। मंत्री ही ऐसा हो, गृह राज्य मंत्री ही ऐसा हो, वो देश की भलाई क्या करेगा, लोगों की सेवा क्या करेगा, जब ये अत्याचार इतना इसका ड्राइवर कर रहा है, ये लोग साथ हैं, ये तो बहुत शर्मनीय घटना है। इस दुख की घड़ी में हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जा रहे थे पीड़ित परिवार को मिलने के लिए, उनको 2:30 बजे रात को रोक दिया गया और उनको 5 बजे गाड़ी में ही बिठाया रखा गया। बताइए ये कहाँ का कानून है कि जिसके साथ जनता के साथ जो जनता से चुन के जाता है और वो जनता पे जुल्म ढारे, ऐसा कौन सा कानून है, किसने ऐसा कानून बनाया, जो कि इनकी सरकार देख रहे हैं कि टोटल अत्याचार ताताशाही ये लोग चला रहे हैं। हम लोग किसानों के साथ हैं, जो अत्याचार करेगा हम उसके खिलाफ, हम पूरे पार्टी के साथ हमारे लोग जा रहे हैं। आज बलिया हम लोग ज्ञापन देंगे राज्यपाल महोदय जी को कि बताइए, जिस देश का राजा ही अगर दुश्मन हो तो ये जनता कैसे जिएगी। जनता तो गरीबी से जूझ रही है। वही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सरकार में अपने हक को मांगने वालों की हत्या तक कर दी जाती है। सरकार किसान बिल वापस ले या फिर सरकार वापस जाए। लखीमपुर हिंसा में किसानों द्वारा मंत्री के बेटे को घेरने और रोकने पर कहा कि गांधी के सत्याग्रह में भी अंग्रेज ऐसे ही अफवाह उड़ाते थे। चला करके 6 किसानों को मौत के घाट उतार दिया और दर्जनों किसान घायल हो गए, जो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ये निंदनीय घटना है। यही किसानों का हाल जानने के लिए और उनके परिवार से मिलने के लिए किसानों के समर्थन में लखीमपुर जाने की घोषणा किए थे। रात से ही घर उनके पुलिस चारों तरफ से घेर लिया है, उनको घर से निकलने नहीं दे रही थी। किसी तरह घर से निकल के सड़क पर धरने पर वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी बैठे हैं और हजारों किसान बैठे हुए हैं उन्हीं के पक्ष में, किसानों के अखिलेश यादव के पक्ष में। समाजवादी पार्टी बलिया राजमंगल लादो अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। जहाँ तक मंत्री के बेटे की बात की है तो उनका पक्ष ये सामने आया है कि किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोग जो है जानबूझकर उनको रोकने की कोशिश की है और उनको मारने की कोशिश की है, लिहाजा उस दौरान भागते समय जो है हादसा हो गया। तो क्या किसान आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको हिंसक आंदोलन की तरफ लेकर जा रहे हैं? ये कहा जाता है, गांधी जी जब आंदोलन कहे आज़ादी के आंदोलन में भी अंग्रेज यही कहता था कि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए। हम लोग जयप्रकाश आंदोलन में थे, हम लोगों के ज़माने में यही कहा जाता था कि जयप्रकाश आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस गए। हर कोई आज़ादी या लोकतंत्र बहाली का होता है तो सरकार के लोग यही बात कहते हैं। वो अपना एम से गए थे मारने के लिए, उनको न कहीं रोका। आप CCTV फुटेज होगा, आप लोगों का कैमरा वहाँ परमानेंट थे, कहाँ वो दिखला दिए वो किसान उनको मारते हुए, कोई चैनल दिखलाया? वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के मौत के घाट उतारा है किसानों को। तो आखिरकार किसान आंदोलन कहाँ जा रहा है? किसान आंदोलन तब तक जाएगा या तो सरकार उनकी बात मान ले या नहीं तो सरकार जाए, दो ही सूरत है, या तो सरकार जाएगी नहीं तो सरकार को किसानों की बात मानना पड़ेगा। तो किसान तो सरकार तो तैयार नहीं है किसानों की बात मानने को, वो कह रही है तो किसान जान तो किसान उसमें आप हमसे वार्ता करिए, हम उसमें संशोधन करें। वार्ता 8-8, 10-10, 14 बार हो चुकी है, ये सरकार तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए है। वो किसी तरह से लोगों को जान मान के जनसंख्या कम करना चाहते हैं। 4 साल में उत्तर प्रदेश 4.5 साल में सरकार उत्तर प्रदेश की फेल हो चुकी है। अब यही वो मौत मार पुलिस के द्वारा, प्राइवेट के द्वारा, अपने से हत्या करके, मार के, पीट के, दहशत फैला करके, डरा धमका करके वो सरकार बनाना चाहती है, जो संभव नहीं है। जब हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं तो जब अंग्रेज जैसा आदमी यहाँ से भग खड़ा हुआ
तो ये मोदी जी, योगी जी हिंदुस्तान की जनता के आगे टिकने वाले नहीं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।